चेयर टेबल बेंच कूलर ट्री गार्ड बच्चों के लिखने पढ़ने की सामग्री और भी बहुत कुछ सब कुछ तैयार किए गए हैं प्लास्टिक के कचरे से। है ना दिलचस्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का इतना खूबसूरत अंदाज। ये कारनामा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के दो आर्टिस्ट साक्षी और सरफराज का। प्लास्टिक वेस्ट के फील्ड में आने से पहले हम इवेंट प्लानिंग करते थे। मैं और सरफराज हम पार्टनर्स हैं इस काम को करने के लिए, और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते थे, जब मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, शादी तो हो गई उसके बाद का क्या। तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। हमने अपनी आर्ट्स को प्लास्टिक में यूज़ करते हुए प्लास्टिक चीज़ों से हमने बनाया और इसको लगाना शुरू किया शहरों में। और हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं, हिंडन नदी हमारे गाजियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ, और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में हिंडन नदी पे, गाजियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। साक्षी और सरफराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्लास्टिक कचरे से दुनिया का सबसे बड़ा चरखा बनाने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से भी उपयोगी चीजें बना रहे हैं। ये प्लास्टिक कचरे के बदले उपयोगी सामान बनाकर देते हैं। ये देखिए गाजियाबाद जिले का भोजपुर आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पर भी सजावट साक्षी और सरफराज के बनाए सामान की है। साक्षी और सरफराज ने प्लास्टिक कचरे से बने बच्चों के पढ़ने लिखने और बैठने के सामान भी उपलब्ध कराए हैं। प्लास्टिक कचरे से बने ये सामान बेहद खूबसूरत और मजबूत होने के साथ ही लोहे और लकड़ी के सामानों से कम खर्च में मिल रहे हैं। अभी कम से कम 8-9 महीने पहले के करीब ये वेस्ट मटेरियल की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आई हैं हमारे स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, मजबूत भी हैं, देखने में भी आकर्षक लग रही हैं, सुंदर हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता को अपनाने के साथ ही प्लास्टिक कचरे के अद्भुत प्रबंधन का संदेश दिया है, वो अन्य लोगों को भी एक राह दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।